Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabi from Lorelei Medical College and I am fourth year MBBS student. आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोसेफेलस. इससे पहले हम लोगों ने ब्रेन पैथोलॉजी यानी CNS पैथोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था. उससे मैंने बताया था कि अगर ब्रेन में कोई पैथोलॉजी हो जाती है किसी भी रीजन से तो उसके बाद क्या होगा, वो स्टेप्स हमने देख लिए थे. हमने कहा कि अगर ब्रेन में कोई पैथोलॉजी हो जाती है तो उसके बाद जो है ब्रेन में वॉल्यूम जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड ब्लड सप्लाई जो है वो इंपेयर हो जाती है, खराब हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लड अगर नहीं पहुंचता ब्रेन को तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं. हमने देख लिया था कि वॉल्यूम किस तरह जो है वो इंक्रीज हो जाता है. हमने सबसे पहले देखा था कि एडिमा की वजह से जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एडिमा की वजह से किस तरह इंक्रीज हो जाता है वो हमने देख लिया था. आज मतलब हाइड्रोसेफेलस देखेंगे कि हाइड्रोसेफेलस की वजह से किस तरह जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो किस तरह कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. सबसे पहले हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, हाइड्रो का मतलब है पानी और सेफेलस का मतलब है कोई चीज बड़ा हो जाना, ठीक है. अब हम इसको देखेंगे कि ये है क्या. इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक्सेसिव accumulation of excessive accumulation of CSF cerebrospinal fluid in brain parenchyma. यानी कि जो ब्रेन कैविटी है, ब्रेन पैरेन्काइमा है, वहां पर एक्सेसिव एक्युमुलेशन हो जाती है CSF की, यानी cerebrospinal fluid की. उससे पहले हमें ये देखना होगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो किस तरह नॉर्मली ट्रेवल करता है, किस तरह जो है वो इसकी ड्रेनेज होती है. कहीं जगह ब्लॉकेज होगी तभी तो एक्युमुलेशन होगी. पहले नॉर्मली देखते हैं कि किस तरह जो है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनती है और किस तरह जो है वो ट्रेवल करती है. अब देखिए यहाँ पर ब्रेन के होते हैं टोटल चार कैविटीज. दो लेटरल कैविटीज होते हैं, वेंट्रिकल सॉरी, ठीक है, कैविटी वेंट्रिकल की बात है. दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक दो लेटरल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है. अब देखें किस किस कैसे होते हैं. यहां पर देखें ये हो गया हमारे पास, ये मैं बना रहा हूं, ठीक है, ब्रेन के कुछ ये हो गए इसके लेटरल कैविटीज, ठीक है, नंबर वन. नंबर टू ये हो गए इसके लेटरल कैविटीज. दो लेटरल कैविटीज के बाद ये जो है वो है थर्ड कैविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल. दो लेटरल वेंट्रिकल हो गए, दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, नंबर वन नंबर दो, दो लेटरल वेंट्रिकल्स हुए. अब होता है थर्ड वेंट्रिकल, ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल. इसको थोड़ा मैं इस तरह कर लूं, ठीक है, ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल. अब थर्ड वेंट्रिकल के बाद जो है वो यहां पर आता है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल. अब ये हो गए हमारे पास एक दो, यानी हो गया दो लेटरल वेंट्रिकल्स और ये हमारे पास हो गया थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है. थर्ड वेंट्रिकल के बाद यहां से ये जो एरिया है इसको बोलेंगे सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है. दो लेटरल वेंट्रिकल्स, दो लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद यहां पर एक फोरामेन होता है, ठीक है. सबसे पहले क्या हुआ, दो लेटरल वेंट्रिकल हुए, यहां से CSF बना और यहां पर आ गया. किसके थ्रू आ गया, यहाँ पर एक फोरामेन है जिसको बोलते हैं फोरामेन मोनरो, ठीक है, फोरामेन मोनरो. तो इसको मैं F और M से शो कर रहा हूँ, फोरामेन मोनरो. फोरामेन मोनरो के थ्रू जो है CSF आ गया थर्ड वेंट्रिकल में. थर्ड वेंट्रिकल के बाद इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट. ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट. सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद ये जो है फ्लूइड आ जाता है कहां पे, फोर्थ वेंट्रिकल में. तो इसको बोलेंगे फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल. अब फोर्थ वेंट्रिकल के भी कुछ फोरामेन होते हैं, यहां पर दो फोरामेन, एक ये है और एक ये है, इसको बोलेंगे फोरामेन लुश्का, एफ एल लिख रहा हूं, ठीक है, फोरामेन लुश्का. और यहां पर एक और फोरामेन है जिसको बोलते हैं फोरामेन मेजेंडी. फोरामेन एम का मतलब है मेजेंडी, ये हो गया फोरामेन मेजेंडी. अब आपको एक स्केच समझ आ गया, इसको मैं दोबारा एक दफा क्विक रिव्यू करवाता हूं ताकि आपको सही तरह समझ आए
कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, देखिए इस डायग्राम को आपने नहीं भूलना। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे पास हो गया, ये हो गए दो लैटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये हो गए दो लैटरल वेंट्रिकल्स, ये नंबर वन नंबर टू। लैटरल वेंट्रिकल्स के बाद यहाँ पर एक फोरामेन था, फोरामेन मोनरो, फोरामेन मोनरो के बाद यहाँ पर आ गया थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के बाद यहाँ पर आता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, और सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद यहाँ पर आता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गए नंबर वन नंबर टू लैटरल वेंट्रिकल्स, यहाँ पर हो गया फोरामेन मोनरो, यहाँ पर हो गया थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ से हो गया सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा फोरामेन लुश्का, यहाँ पर होगा फोरामेन मिजंडी। अब बात ये है कि इसकी एक्युमुलेशन किस तरह हो जाती है। अगर कोई भी ब्लॉकेज, ठीक है, कोई भी ब्लॉकेज यहाँ से फोरामेन मोनरो यानी कि यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल जो है हमारे पास, यहाँ पर जैसे ही लेटरल वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड बना, यहाँ से कोई ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, फ्लूइड जो है वो यहाँ पर ही रह जाती है, आगे नहीं आ पाता, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस। क्यों नॉन कम्युनिकेटिंग? क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल में फ्लूइड जैसे ही बना तो आगे पास ही नहीं हुआ, फोरामेन मोनरो से ऊपर जो है वो रास्ता बंद है, रास्ता बंद है तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है फ्लूइड का वेंट्रिकल्स के अंदर, तब क्या होगा, इसको बोलेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस। अगर फोरामेन यहाँ पर सारा फ्लूइड मौजूद है या यहाँ पर मौजूद है तो फोरामेन लुश्का या ब्लॉकेज हो, ठीक है, यहाँ पर फोरामेन लुश्का की मतलब यहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो, या फिर यहाँ से फोरामेन लुश्का से जैसे फ्लूइड आगे जाता है तो आता है सब अरेक्नोइड स्पेस पे, सब अरेक्नोइड स्पेस पे, सब अरेक्नोइड स्पेस के बाद ये वेन्स में जाता है, वेन्स के बाद जुगुलर वेन्स में जाता है, फिर इंफीरियर वेना के बाद। अगर इसके बाद किसी भी जगह पे फोरामेन लुश्का के बाद किसी भी जगह कोई भी ब्लॉकेज हो जाए तो इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। क्यों कम्युनिकेटिंग? क्योंकि हुआ ये था कि पहले नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब ये था कि फ्लूइड वेंट्रिकल्स के अंदर आया ही नहीं था, अब फ्लूइड अंदर आया तो है लेकिन बाहर निकलने में इसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको बोलेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो ये है हमारे पास ओवरऑल कि हाइड्रोसेफेलस होता क्या है। ठीक है, इसको मैं फाइनली एक डायग्राम के थ्रू आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपके माइंड में सही तरह जो है ये डिटेल जो है वो बैठ जाए। सबसे पहले अभी आप खुद बताएंगे यहाँ पर हमारे पास क्या था। ठीक है, ये हमारे पास हो गए वेंट्रिकल्स, कौन से वेंट्रिकल्स, ये हो गए दो लेटरल वेंट्रिकल्स, दो लेटरल वेंट्रिकल्स के पास यहाँ पर आता है एक फोरामेन यानी कि एक ब्लॉकेज यानी कि एक रास्ता जिसको बोलते हैं फोरामेन मोनरो, फोरामेन मोनरो के बाद आता है थर्ड वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये एरिया एक आ जाता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट खुलता है कहाँ पे, एक और वेंट्रिकल्स के अंदर जिसको हम नाम देते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास होते हैं तीन फोरामेन, इसको बोलते हैं फोरामेन लुश्का, इसको बोलते हैं फोरामेन मेजेंडी। अब फ्लूइड का क्या था, यहां से जैसे ही बनता है कोरॉइड प्लेक्सस होता है कुछ, ठीक है, यहां से बनता है सीएसएफ, कोरॉइड प्लेक्सस यहां पर होता है कुछ, यहां पर बनता है सीएसएफ, सीएसएफ जैसे ही यहां पर बना यहां पर आया। ठीक है, यहां पर आने के बाद जैसे ही इसकी सर यहां पहुंच जाएगा यहां पर होती है अगर ब्लॉकेज, ठीक है, अगर ब्लॉकेज हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉकेज होने की वजह से कम्युनिकेटिंग हो ही नहीं रहा फ्लूइड का, तो इसको हम नाम देते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। अगर यहां से फ्लूइड पास हो भी गया, यहां से फ्लूइड अगर यहां पर आ चुका था, अब यहां से बाहर निकल नहीं रहा, अगर यहां से निकल गया तो आगे वेन्स में जाकर कोई ब्लॉकेज हुई तो इसको बोलेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, क्योंकि फ्लूइड आगे पास नहीं हो रहा, यहां से एक्युमुलेशन हो रही है, एक्युमुलेशन हो रही है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोसेफेलस। क्या होता है अभी आपको उम्मीद है डिटेल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हर्नियेशन की, कि किस तरह हर्नियेशन इफेक्ट करता है, जो वॉल्यूम होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर में वो किस तरह बढ़ जाती है, उसे हम हर्नियेशन कहते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि वॉल्यूम किस तरह इंक्रीज हो रही है, हमने उसके बारे में बता दिया कि किस तरह एडिमा की वजह से हो रहा था, उसमें हमने टाइप्स भी बता दिए। अब हमने बात किया हाइड्रोसेफेलस के बारे में, उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम हर्नियेशन की, तो फिर हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट जो है हम लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर जो है वो
दे दिया है,